हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ मशीन के अंदर सही तरीके से तेल कैसे डालें जिससे आपकी मशीन अच्छी चलेगी, धागे नहीं तोड़ेगी और आपको कभी भी इसके पार्ट्स खराब नहीं होंगे। तो उसको बताने से पहले मैं बताता हूँ इसके अंदर मशीन के अंदर कौन कौन से तेल डालना चाहिए आपको। तो ये दो तरह के तेल होते हैं, एक ये मशीन के तेल के नाम से बिकता है बाजार के अंदर और एक ये कोकोनट का ऑयल का तेल है। तो ये दोनों तेल मशीन के अंदर आप इजीली, कोई परेशानी नहीं है ये आपको मशीन चलाने में और आपके तागे वागे सब साफ बढ़िया चलेंगे। मगर उससे बताने से पहले बता दूं कि ये कोकोनट का ऑयल अच्छा रहता है इस मशीन के अंदर डालने के लिए। इससे आपकी सटल बढ़िया चलती है और काम में भी फिनिशिंग आती है। तो आप जब भी लगाओ तो इससे कोकोनट ऑयल को डाल सकते हैं। और इसको डालने के लिए, तेल को इस मशीन के अंदर डालने के लिए आपको एक इस तरह की कुप्पी लेना पड़ेगी। इसके अंदर आप तेल भर सकते हैं, तेल भर के इसके अंदर आप डालेंगे। तो मैं बताता हूँ आपको इस मशीन के अंदर कहाँ कहाँ तेल डालना चाहिए। तो ये आपको बहुत सारे छेद दिखेंगे होने को, तो मगर किसी छेद में ये डलेंगे, किसी ऑयल में नहीं डलेगा तेल। तो इसमें सबसे पहले यहाँ ऑयल डालेंगे हम, जो आपको ये दिख रही है यहाँ पर, एक एक दो दो बूंद ऑयल डाल सकते हैं आप। और इन यहाँ पर भी ऑयल लिखा हुआ, वैसे यहाँ पर भी ऑयल लिखा हुआ है। तो इन छेदों में तो ऑयल डलेगा, इसमें भी आप छेद डाल सक में भी ऑयल डाल सकते हैं। इसमें भी डालिए आप दो दो बूंद, तीन तीन, जब भी आपको सही लगे दो दो बूंद आपको वैसे तेल डालना चाहिए। और ये दो छेद है यहाँ पर, इसमें तेल नहीं डलता। इसमें तेल डालने से एक खराबी हो जाती है कि इसके अंदर एक चेन है, उसके ऊपर तेल जाता है तो ये खराब हो जाती है। तो इससे धागा तोड़ती है, मशीन पूरी काम सही नहीं कर पाती। तो इसके ऊपर आपको तेल डालना नहीं चाहिए। तो ये इस साइड तो, और दो छेद यहाँ पर भी है, यहाँ से तेल नहीं डाल सकते क्योंकि यहाँ से डालेंगे तो पूरा नीचे। तो उसके लिए एक तरीका है, वो यहाँ से डाल सकते हैं आप तेल। ये साइड से आपको एक पूरा खुला दिखेगा। तो यहाँ आप इसके अंदर ये जोड़ दिख रहे हैं, इसके जितने भी जोड़ हैं, ये जोड़ एक दो तीन, इसमें और इनमें सब में दो दो बूंद आप तेल डाल सकते हैं। तो इसी तरीके से आप तेल डालेंगे तो आपकी मशीन धागा नहीं तोड़ेगी और आपके काम में फिनिशिंग आएगी। तो ये तो ऊपर की साइड तेल हो गया, और इसके नीचे साइड भी तेल डलते हैं। यहाँ भी आपको होल दिखेंगे चार, एक दो तीन चार, मगर इस दो होल में आप तेल नहीं डालें, इसके अंदर भी पार्ट्स खराब हो जाते हैं। अंदर मैंने जैसे आपको चेन का पार्ट बताया, ऐसे इसे नीचे पार्ट है तो वो खराब हो जाते हैं। तो आपको दो में डालना है बस, सिर्फ ये दो दिख रहे हैं आपको, इन दोनों होल में डलेगा। मगर इन दोनों होल में डालने से पहले किसी सुई की मदद से आप इसके अंदर से कचरा निकाल लें, जो कचरा साफ हो जाए तो उससे आपका तेल अंदर पहुंच पाएगा। फिर आप दो दो बूंद इसके अंदर भी डाल दें, इसके अंदर तेल डाल दें। और यहाँ पर एक सटल होती है, इसकी पेचकस की मदद से आप इस प्लेट को खोल सकते हैं। यहाँ एक पेच लगाए रखना चाहिए आपको, क्योंकि ये खुल जाती है तो कढ़ाई सही नहीं हो पाती, इसलिए इसके अंदर पेच लगाते हैं। तो ये आप सटल देख रहे हैं, अभी हमने तेल डाले हुए शाम को डाला था इसलिए ये इतना गंदगी हो रही है। इसको साफ करके आप इसके अंदर ये दो दो तीन तीन बूंद डाल सकते हैं, इससे सटल कहते हैं। इसकी वजह से आप कोकोनट का ऑयल डालोगे तो ये आपकी जल्दी ख़राब नहीं होगी। और इस रोड के अंदर भी ऑयल डाल सकते हैं आप। तो इस तरीके से ऑयल डालिए आप मशीन के अंदर, तो आपको कभी परेशानी नहीं आने वाली। यही तरीका मशीन के अंदर ऑयल डालने के लिए। तो अब वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, और कोई कमेंट करना हो तो आप मेरे से सवाल जवाब पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हो तो एक मोटिवेशन मिलता है, तो उससे हमें नई वीडियो बनाने की एक मोटिवेट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।